दोस्तों आज दुनिया में पर्यावरण से जुड़ी न जाने कितनी आपदाएं आ रही है। ऐसे में अगर एनवायरनमेंट का कोई बड़ा हिस्सा अगर गायब हो जाता है तब भी उससे लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कई सालों से पृथ्वी से न जाने कितनी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है और इंसान अपने हाथ पर हाथ धरा बैठा हुआ है। किसी एक पूरी प्रजाति का अंत हो जाना शायद इंसानी जीवन में इतना मायने न रखता हो, लेकिन क्या हो पूरा का पूरा सागर ही गायब हो जाए, तब क्या इंसानों को फर्क पड़ेगा? अब आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ बिल्कुल, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा ये वीडियो के अंत में तय हो पाएगा, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे ही सागर के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी तरह से सूख चुका है। रूस के पास कजाकिस्तान और उत्तरी उज्बेकिस्तान के बीच मौजूद अराल सागर 68,000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ समुद्री इलाका है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े झीलों में से एक माना जाता है। इसके इतने बड़े आकार और खारे पानी की वजह से इसे सागर कहा जाता है। अराल सागर, जो एक वक्त में आसमान की तरह नीला और खूबसूरत हुआ करता था, वो आज सिर्फ एक रेत के मैदान में तब्दील हो चुका है और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ नमक के टीले ही नजर आएंगे। एक समय ऐसा था जब यहाँ हजार समुद्री प्रजातियां रहती थी, वहीं आज यहां सिर्फ और सिर्फ जंग लगे जहाज ही दिखाई देते हैं। 24,000 साल पुराने इस सागर को अचानक क्या हो गया कि ये सूखने लगा और आखिरकार अब ये पूरी तरह से सूख चुका है। क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। अराल सागर, जिसे द्वीपों का झील भी कहा जाता था, उसकी बर्बादी का मंजर शुरू हुआ 1960 में। असल में सोवियत संघ ने अपने रेगिस्तान वाले इलाके में खेती करने के लिए सिंचाई के लिए योजना बनाई और अराल सागर को भरा पूरा रखने वाली नदियों का बहाव इस योजना के चलते पूरी तरह मोड़ दिया गया, जिस वजह से साल 1977 तक आते आते अराल सागर का लगभग 10% हिस्सा सूख गया। लेकिन सोवियत संघ को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और न ही दुनिया को। 1534 आइलैंड वाला ये सागर जैसे जैसे सूखने लगा, वैसे वैसे इसके आसपास की प्रकृति में बदलाव दिखने शुरू हो गए। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इंसानी कारनामा प्रकृति को बेशक नुकसान पहुंचाने वाला था, जिसके बाद वहां के हालात इतने बिगड़ गए कि उसे आज तक दुनिया के सबसे बड़े एनवायरमेंटल क्राइसिस में से एक माना जाता है। एक समय ऐसा भी था जब रेगिस्तानी खानाबदोशों ने अराल सागर के पास अपना घर बसाया और इनका एकमात्र सहारा बना अराल सागर, जिसमें मछली पकड़ कर अपना जीवन यापन करते हैं और वहीं इनका रोजगार होता था। लेकिन अचानक से पूरा का पूरा समुद्र सूख जाने से इनकी जिंदगी भी बदतर हो गई। अगर डिटेल में समझे तो साल 1960 की शुरुआत में जो नदियां अराल सागर को सींचती थी, अमू नदी और सिर नदी, उन्हें डाइवर्ट करने का फैसला सोवियत संघ ने ले लिया। सोवियत संघ ने इस सिंचाई योजना को चावल, खरबूज और कपास की खेती करने के लिए शुरू किया था, लेकिन सोवियत संघ का असल मकसद तो कपास के जरिए से मुनाफा कमाना ही था। सोवियत संघ यही चाहता था कि उसका कपास उद्योग बढ़े और शुरुआत में हुआ भी ऐसा। 1988 के दौर में उज्बेकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कपास एक्सपोर्टर देश बन गया। आज भी उज्बेकिस्तान कपास एक्सपोर्टिंग करता है और ये उद्योग उनकी अर्थव्यवस्था के लिए काफी जरूरी है। लेकिन एक ऐसे कदम के कारण पूरे का पूरा सागर सूख गया। असल में सिंचाई के लिए जरूरी नहरों का निर्माण 1940 से ही शुरू हो गया था, जिसके बाद 1960 से हर साल 20 से 70 किलोमीटर पानी नहरों में जाने लगा और इस वजह से सागर ने साल दर साल छोटा होना शुरू कर दिया। 1961 से लेकर 1970 के दशक में ये तेजी से छोटा हुआ और बर्बादी का मंजर ऐसे ही चलता रहा। लगातार सूखने की वजह से ये सागर फोर लीक में बट गया, जिन्हें नाम दिया गया उत्तरी अराल सागर, पूर्व बेसिन, पश्चिमी बेसिन और दक्षिणी अराल सागर, जिसके बाद 1960 से 2000 के बीच सोवियत संघ ने नहरों में जाने वाले पानी की मात्रा दुगुनी कर दी। इस वजह से सागर में एक बूंद भी पानी नहीं जाता था। सिंचाई योजना की शुरुआत से पहले अराल सागर का लेवल समुद्र के लेवल से 53 मीटर पर स्टेबल था, लेकिन 2009 तक इसका साउथ ईस्ट हिस्सा पूरी तरह से सूख कर रेगिस्तान बन गया। साथ ही साथ साउथ वेस्ट वाले हिस्से में सिर्फ पानी की पतली पट्टी रह गई। साल 2010 के आने तक इतना बड़ा अराल सागर 40 मीटर में सिमट कर रह गया। सोवियत संघ को सागर के सूखने से कभी भी कोई मतलब नहीं रहा। उन्होंने तो ये तय कर लिया था कि 1964 तक ये सागर पूरा का पूरा सूख जाएगा, लेकिन कजाकिस्तान ने ऐसा नहीं होने दिया और सागर को बचाने का बीड़ा उठाया। इसके बाद उन्होंने एक डैम का प्रोजेक्ट शुरू किया जो कि साल 2005 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया।
जिसने नॉर्थ अराल सागर को लगभग सूखने से बचा लिया। इस योजना का सफल होना तभी पता चल गया जब 2008 में पानी का लेवल 2003 की तुलना में 12 मीटर तक बढ़ गया। साथ ही साथ पानी में जो सॉलिडिटी की मात्रा बढ़ती जा रही थी वो भी अब कम होने लगी थी, जिस वजह से मीठे पानी की लगभग 24 प्रजातियां सागर में वापस आने लगी। और साथ ही साथ जो बारिश के बादल क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं बरस रहे थे वो भी प्राकृतिक रूप से बरसने लगे। यह बहुत अच्छा कदम था, जिसके बाद इसी तरह की योजना कजाकिस्तान में एक और बांध बनाया गया ताकि अराल सागर को सूखने से बचाया जा सके, और इसके लिए कजाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से लोन दिया गया। सोवियत संघ को भले ही अराल सागर के सूखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अभी भी जो ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है कहीं ना कहीं ये एनवायरमेंटल क्राइसिस के कारण हो रहा है। अब उत्तरी सागर तो संभल रहा है, लेकिन दक्षिणी अराल सागर को सुधारने में अभी तक कोई काम नहीं किया गया। आज भी उसकी पूर्वी झील इतनी ज्यादा नमकीन है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ नमकीन झींगा ही रहते हैं। दक्षिणी अराल सागर के सूखने के दुख से उज्बेकिस्तान का वो हिस्सा पूरी तरह से उदास है जो इस सागर पर निर्भर करता था। आज इतना बड़ा दक्षिणी अराल सागर का सिर्फ 10वां हिस्सा ही बचा हुआ है, लेकिन उज्बेकिस्तान के बाकी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि सिंचाई के लिए कम पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर सिंचाई के लिए कम से कम पानी का इस्तेमाल शुरू किया गया तो पूरे के पूरे अराल सागर को बचाया जा सकता है। लेकिन इससे एक और खतरा मंडराता है कि खेतों में काम करने से जिन लोगों को रोजगार मिला, सिंचाई योजना के तहत जिन लोगों ने अपना घर बसाया वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। पर उन लोगों का क्या जो पूरी तरह से इस सागर पर निर्भर थे? उन लोगों की जिंदगी का एक पूरा हिस्सा उस सागर के साथ ही सूख गया। अब ना ही उनके पास करने के लिए मछली का बिजनेस बचा है, ना ही जिंदगी की कोई आस। साथ ही साथ पानी के सूखने की वजह से प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, और इस प्रदूषण के कारण उन्हें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अचानक से पूरे के पूरे सागर के सूख जाने की वजह से गर्मी और सर्दी दोनों उज्बेकिस्तान के लोगों पर कहर बरपा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए बड़े कदम उठाने चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।